गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का जो पाठ नंबर सात जिसका नाम है वृक्ष और पक्षी, आज हम इसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। राजा तुरंत अपने महल में लौट आया। अब राजा क्या होता है, जल्दी से अपने महल में वापस चला जाता है। तत्काल जल्दी से मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। वो जल्दी से मंत्री परिषद, बहुत सारे मंत्री होते हैं जो उन्हें बुलाता है। राजा ने पछताते हुए कहा, राजा बहुत पछतावा होता है जब उसे अपनी नासमझी पे, मैंने देश में सारे वृक्षों को कटवाकर और जंगलों को आग लगवाकर, वो कहता है मैंने सारे पेड़ कटवा दिए और जंगलों को क्या है आग लगवा दी, इतनी बड़ी भूल की है मैंने। वो कहता है मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, अब मैं ये जान गया हूँ वृक्षों के ना होने से जंगली जंतु और पशु नष्ट हो गए हैं। सभी कुछ नष्ट हो गया था जंगलों के नष्ट होने से। इससे प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों यानी प्रकृति में आए हुए बदलावों से अनेक बहुत सारी हानिकारक जो हमें नष्ट दुख पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है, वस्तुएं क्या है पैदा हो गई है। मैंने ना केवल वृक्षों को कटवाया बल्कि देश और उसके भविष्य को ही नष्ट कर दिया। वो कहता है मैंने क्या ऐसे पेड़ कटवाए थे, देश का ही भविष्य क्या कर दिया मैंने, नष्ट कर दिया। राजा ने मंत्री परिषद के सदस्यों की ओर देखा। राजा क्या होता है, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनकी तरफ देखता है। सभी मंत्री उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, जितने भी मंत्री होते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया। अब राजा पछतावा तो हो ही रहा था, वो कहता है कि मैंने आप सबकी इम्पोर्टेंट बातों को, कभी महत्वपूर्ण बातों को सुना नहीं, लेकिन इस कड़वे अनुभव ने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया। वो कहता है लेकिन इस अनुभव ने भी मुझे क्या है, एक नया पाठ पढ़ाया है। हमारे पूर्वज यानी जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उनका विचार था कि वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, कि पेड़ों से क्या होता है जंगल होते हैं, जंगलों से क्या होते हैं बादल होते हैं, मेघ यानी बादल, बादलों से क्या होता है पानी होता है, और पानी से ही क्या होता है जीवन यानी हमारी जिंदगी चलती है, जीवन से ही क्या होती है हंसी खुशी मिलती है। इस सत्य को यानी इस सच्चाई को मैंने अब जान लिया है। राजा के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर, राजा के स्वभाव नेचर में ऐसा बदलाव देखकर मंत्री परिषद भी क्या हो जाते हैं, चकित यानी हैरान हो जाते हैं। तो आप इस पाठ की कहानी को दोबारा एक बार पूरी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आपको इसके शब्दार्थ क्या है रफ नोटबुक पर लिखकर क्या है याद करने हैं, और इसका बुक वर्क आपको फिल कर लेना है, आंसर की आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।